हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, हमारे सिटी में आ चुका है लावा से बना हुआ बहुत बड़ा मॉन्स्टर, लोग उसको लावा गॉड भी बोलते हैं। उसने जुरासिक पार्क में रहने वाले लगभग सभी डायनासोरों को मार डाला है। उसके सबसे बड़े दुश्मन पता है कौन है भाई? बड़े बड़े डायनासोर। मालिक, क्या लावा गॉड हम छोटे बच्चों को भी मार डालेगा? हाँ, वो तुम सब बच्चों को ही नहीं, हम इंसानों को भी मार कर खाने वाला है, क्योंकि हमारा लावा गॉड बहुत सालों से भूखा है और एक भूखा इंसान किसी को भी मार कर खा सकता है। दोस्तों, उसने जुरासिक पार्क में सभी बड़े डायनासोर को मार डाला है। अब वो हमारे घर की तरफ बढ़ रहा है और मैं उसको नहीं रोक पाऊंगा और ना ही हमारी सिटी की पुलिस उसको रोक सकती है, क्योंकि लावा गोड है भाई, वो लावा से बना हुआ है, यानी बोले तो आग से बना हुआ है। अभी जल्दी से तुम लोग यार इस स्विमिंग पूल को खाली कर दो। तुम लोग यार कल से इसके अंदर खेल रहे हो, अभी बाहर जाओ। ये एक के क्या हो गया भाई, ये तो इसके अंदर ही यानी पानी के अंदर ही बैठा हुआ है। ये बैठा हुआ है या फिर सो रहा है? सो गया क्या भाई? ये तो परमानेंट सो चुका है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है, मेरे को जाके देखना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भाई, ऐसे कौन देखता है? अभी देखने के चक्कर में तो हम लोग खुद मर जाते हैं भाई। ये स्विमिंग पूल खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पे पैर फिसल कर हम लोग गिर भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। ये देखो मेरा डोगी भाई, तेरी नाकों के अंदर पानी भर जाएगा और तू भी मर जाएगा, जैसे ये डायनासोर का बच्चा मर चुका है। भाई मैंने इनको कितनी बार मना किया कि तुम लोग इसके अंदर नहीं नहा सकते, क्योंकि तुम्हें तैरना भी नहीं आता है और तुम लोग अगर इसके अंदर बैठोगे ना तो तुम लोग खुद मर जाओगे। अभी मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा भाई, वरना ये लोग तो एक एक करके सब लोग मर जाएंगे। लावा गोड़ तो पता नहीं इनको कब मारेगा, लेकिन ये लोग तो खुद मर रहे। चल भाई बाहर चल, अभी मैं इसको कैसे भगाऊँ? हाँ भगा तो देता हूँ, अभी ये बाहर कैसे जाएगा मुझे भी नहीं पता भाई। तुम लोगों के लिए तो क्रेन मंगवानी पड़ेगी अभी। हाँ दोस्तों, चलो इनको छोड़ो, ये लोग तो बाहर आ जाएंगे। हाँ, और अभी मैं जाता हूँ जुरासिक पार्क में और वहाँ पे जाके देखूंगा कि कोई बड़ा डायनासोर बचा भी है कि लावा गोड ने सबको मार डाला। अगर कोई बचा होगा तो मैं उनको यानी पहाड़ियों के अंदर छोड़ के आऊंगा भाई। तो प्यारी, तुम इन सब का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे मॉम डैड को बचाने के लिए जा रहा हूँ। अगर लावा गोड ने उनको नहीं मारा होगा तो ये कार लेके चले क्या? नहीं नहीं, कार तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकता। और हाँ, तुम सबको इस घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि घर के बाहर कभी भी धरती पट सकती है और उसमें से लावा बाहर निकल सकता है, क्योंकि लावा गोड के आने की वजह से अभी धरती के अंदर जो लावा है ना वो भी बाहर निकल रहा है। अगर तुम उसमें जाओगे ना तो जल जाओगे भाई, इसमें तो लोहा भी पिघल जाता है, तुम्हारी हड्डी तक नहीं बचेगी। मैं तो खुद भाई ये जेट लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जेट यानी जमीन पे नहीं चलता है, ये हवा के अंदर चलता है। दोस्तों, फ्रैंकलिन भैया इस जेट को दूसरी बार चला रहा है, फिर भी इसके चेहरे पे देखो भाई कितना ज्यादा डर है। ये सोच रहा है कि मैं नीचे गिरा तो भाई इसकी हड्डी पसली टूट जाएगी, यानी हड्डी पसली तो नहीं, ये सीधा मर ही जाएगा इतनी ऊपर से गिरेगा तो। चल भाई, वैसे गिरने की बात नहीं है भाई, तू यानी तेरे पैर है ना वो आराम से इसके ऊपर रखे हुए है, तू नहीं गिर सकता। चलो भाइयों, अभी मैं इसकी स्पीड देखता हूँ कि भाई ये जेट कितनी स्पीड के अंदर उड़ सकता है। चल भाई, ये तो काफ़ी धीरे धीरे उड़ रहा है, मैंने सोचा कि मैं इसको यानी काफ़ी स्पीड से हम लोग जुरासिक पार्क में पहुँच जाएंगे, लेकिन ये तो काफ़ी धीरे उड़ रहा है भाई। फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहा है भाई, ब्रेक लगा के रखा है क्या तूने? नहीं नहीं, ये काई को ब्रेक लगाएगा। तो भाइयों, यहाँ पे देखो भाई, जुरासिक पार्क के बाहर तो कितनी सारी एरोप्लेन उड़ रही है, यानी ये जेट है भाई, ये जेट उड़ रहे, ये मेरे को ना मार दे। दोस्तों, ये पता है किसको ढूंढ रहे? ये लोग ढूंढ रहे हैं लावा गोड को। लावा गोड इनको जैसे ही मिलेगा ये उसके ऊपर मिसाइलें छोड़ देंगे, लेकिन ये कितने ज्यादा बेवकूफ है ना भाई, यानी लावा गोड एक मिसाइल से थोड़ी मर सकता है। लावा गोड भाई खुद एक मिसाइल है, यानी वो खुद एक आग का गोला है, वो कैसे मिसाइल से मर सकता है भाई? उससे तो यानी बचाव ही उपाय है भाई, कोई भी उसके कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उसके कोई टक्कर दे सकता है तो वो है आइस गोड, यानी बर्फ से बना हुआ गोड। हाँ वही भाई उसके टक्कर दे सकता है, और तो बाकी सभी उसके सामने यानी एकदम धूल के समान है। वैसे भाइयों, मैं इतनी देर तक ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कोई डायनासोर भी नहीं मिल रहा है, यानी ना तो कोई बच्चा मिल रहा है और ना ही कोई बड़ा डायनासोर मिल रहा है। तो भाइयों, काफी देर तक जंगल में घूमने के बाद में मेरे को मिल चुके हैं दो बड़े बड़े डायनासोर, एक छोटा डायनासोर भी मिला है, लेकिन उसको इतना ज्यादा खतरा नहीं है लावा गोड से जितना कि इन बड़े डायनासोरों को है। मैं इन सबको पहाड़ियों के अंदर लेके जाऊंगा भाई, तभी ये लोग सेफ रहेंगे। वैसे आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं खुद ट्रेन के अंदर बैठूंगा और इनको यानी ये लोग तो भाई ट्रेन के अंदर तो नहीं बैठ सकते, लेकिन ये लोग ट्रेन के पीछे पीछे तो आ ही सकते हैं ना भाई। आ जाओ, लेट्स गो भाई, ट्रेन भी आ चुकी है, यानी रेलवे स्टेशन आ चुका है। और भाइयों, मैं ट्रेन के अंदर बैठूं, तब तक आप लोग भाई इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई, जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। वैसे मैंने गलत रोक लिया भाई, अभी तक ट्रेन का जो आगे वाला मुँह है ना वो काफ़ी दूर है। मैं यानी ऊपर से जाऊँ या फिर नीचे से जाऊँ? ऊपर से जाता हूँ। नहीं नहीं भाई, नीचे से ही जाता हूँ।
अरे ये लोग भी भाई, इनको तो मेरे से भी ज़्यादा जल्दी है। इन लोगों की वजह से भाई मैं ट्रेन से ठुक चुका हूँ। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, मैं यहाँ से दौड़ कर भी जा सकता हूँ। आ जाओ भाई मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम दोनों को छोड़ के आऊँगा हमारी सिटी से काफ़ी दूर, ताकि लावागोड़ तुम लोगों को नहीं मार सके। वैसे भाई ये लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे, वही काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन एक सेकंड भाई, ये लोग तो मेरी ट्रेन के अंदर घुस चुके हैं। भाई तुम लोगों को मेरी ट्रेन को तोड़ना नहीं है? हाँ ये लोग तो मेरी ट्रेन को भी तोड़ डालेंगे। ये भाई क्या कर रहा है ये दूसरा वाला डायनासोर? तुम लोग एक कतार के अंदर नहीं रह सकते? चलो जो भी हो, अभी हमारे ट्रेन और इन डायनासोरों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं कि कौन विजेता बनता है। वैसे ट्रेन तो भाई इससे भी ज़्यादा स्पीड में चलने वाली है। अरे भाई तुम लोग चुप हो जाओ यार, अपने मुँह को फाड़े ही जा रहे हो, इतना कौन चिल्लाता है? मैं तुम लोगों की भलाई के लिए तो ये सब कर रहा हूँ। वैसे मेरे को ब्रेक लगाना पड़ेगा, वरना ये लोग तो पीछे ही रह जाएंगे बेचारे। हाँ मेरे को ब्रेक लगा लगा के चलानी पड़ेगी मेरे को यार, इनको सिटी से बाहर जो छोड़ के आना है। आ जाओ भाई, पूरे जुरासिक पार्क में तुम केवल दो ही बचे हो। अगर तुम लोग भी मर जाओगे तो फिर भाई यानी फिर डायनासोरों का नामो निशान दोबारा से मिट जाएगा हमारी पृथ्वी के ऊपर से। पृथ्वी के ऊपर से तो मिट चुका है, बस हमारे गेम के अंदर ही पता नहीं ये लोग कैसे आ गए। चलो जो भी हो, मेरे को भगानी पड़ेगी अभी इस ट्रेन को। हाँ अभी सही चल रहे हो ना? तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी सिटी से काफ़ी दूर, इतनी दूर कि भाई यार लावागोड भी इन डायनासोर को अब नहीं मार सकता। चलो भाई मैं भी देखता हूँ कि वो लोग जाते कहाँ पे है। वैसे वो पहाड़ियों के अंदर जा रहे, ये देखो भाई दोनों साथ साथ चल रहे। दोस्तों हम सब ने मिलकर इन दोनों की जान बचा ली। अब डर तो बस इस बात का है कि ये लोग वापस से हमारी सिटी में ना आ जाए, क्योंकि जानवरों की सूंघने की क्षमता और देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वैसे जा तो रहे भाई पहाड़ों के अंदर। चलो भाई अभी हम लोग भी जाते हैं हमारे घर पे और लावागोड़ से बचने का उपाय खोजते हैं, क्योंकि अब ये लोग तो बच चुके, अभी हमारी बारी है भाई, क्योंकि लावागोड़ अब हमारे पीछे आएगा, इंसानों और छोटे डायनासोरों के पीछे आने वाला है। इसलिए हमें भी भाई कुछ ना कुछ तरीका खोजना पड़ेगा, ताकि हम लोग भी भाई लावागोड़ के हाथों ना मारे जाए। चलो भाई फिलहाल के लिए तो इस ट्रेन को लेके जाता हूँ। वैसे हाँ मैं यानी लावागोड़ को भी तो छोड़ सकता हूँ ना काफ़ी दूर तक इस ट्रेन के पीछे भगा भगा के। हाँ बस मेरे को उसको चिढ़ाना पड़ेगा और फिर वो मेरे ट्रेन के पीछे पीछे आएगा। दोस्तों हमारी सिटी तक पहुँचते पहुँचते तो हमें रात ही हो गई भाई, रात भी काफ़ी ज़्यादा गहरी हो चुकी है। बस चिंता तो इस बात की है कि भाई मेरे जो डायनासोर थे ना, वो अभी भी बेचारे स्विमिंग पूल के अंदर ही हो गए, मैंने उनको बाहर नहीं निकाला था। अभी जल्दी से ब्रेक लग जा भाई, मेरे को यानी आगे नहीं जाना है। मैं ब्रेक तो लगा दिया हूँ लेकिन फिर भी ये ट्रेन चली जा रही है, चली जा रही है। कितनी दूर तक जाएगी? मेरे को यहीं पे उतरना है भाई, ये क्या चीज़ है? ये यहाँ पे पेट्रोल के डिब्बे भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी? अरे भाई पेट्रोल के डिब्बे इतने सारे पटरियों पे किसने ला के रख दिए? मेरे को लगता है कि पुलिस वालों ने लावागोड़ को मारने के लिए इनको यहाँ पे रखा होगा, ऐसा ही कुछ है। और ये आवाज़ें किसकी आ रही, वो भी इतनी ज़्यादा डेंजर। लेकिन भाई ये मेरी ट्रेन से फटे क्यों नहीं? ये तो काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। ये फटने चाहिए थे मेरी ट्रेन से टकरा कर, लेकिन ये फटे नहीं भाई, ये तो काफ़ी अजीब हुआ ना। ये देखो भाई कैसे कैसे कर रहे हैं ये डिब्बे, इनके अंदर कोई गोश्त आ गया क्या भाई, कोई भूत आ गया क्या इन सब के अंदर? ये तो सारे के सारे डिब्बे ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे। दोस्तों यहाँ पे जो भी हो रहा है वो काफ़ी अजीब हो रहा है, और हमें भाई यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। जल्दी से भागते हैं भाई, कहीं पुलिस वालों ने ये सब किया होगा तो हमने भाई उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया है। अभी भाई पुलिस वाले मेरे को जेल में डाल देंगे। चलो भाई जल्दी से चलते हमारे नए घर पे। दोस्तों क्या आपने जेट पैक को कभी रात में चलाया है? अगर नहीं चलाया है तो चला के जरूर देखना भाई, काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि रात के टाइम पे ये बिल्डिंग्स देखो भाई एकदम जुगनू की तरह चमक रही है, और नीचे वाली वो रोड लाइट है ना, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो भाई जो भी हो, हमारा घर यार इस सिटी से तो थोड़ा बहुत दूर ही है ना। अभी जेट पैक आ गया, वरना हमें भाई गाड़ी से जाना पड़ता। अभी जेट पैक की मदद से हम लोग भाई कितने भी ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकती। कहीं आप लोग सोचो कि ये चांद पे भी जा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, आप लोग चांद पे इसको लेके मत चले जाना। हाँ क्योंकि चांद पे ऑक्सीजन नहीं है और आप लोग मर जाओगे बहुत जल्द। चलो भाई हमारा घर भी आ चुका है और मैं यहाँ से सीधा जंप लगाऊंगा। बस मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सीधा जाकर मेरे स्विमिंग पूल में गिरूँ। अगर बाहर गिर गया तो भाई फ्रैंकलिन भैया तो गया काम से। चलो भाई स्विमिंग पूल में ही गिरा हूँ। अरे नहीं ये क्या हो गया, मैं फिर भी मर गया। चलो भाई जो भी हो, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे भाई।